नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे, ज्योमेट्री, जो कि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप हर एग्जाम में इस टॉपिक को, इसके ऊपर क्वेश्चन आप पाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेजर पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल, तो वहाँ पे इसका वेटेज और ज़्यादा बन जाता है। हालांकि एसएससी के बहुत से और ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे ग्रुप डी और ग्रुप सी को भी, जहाँ पे ये कवर करते हैं, वहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ज्योमेट्री। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दोस्तों, हम ज्योमेट्री में जो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स इसका देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ज्योमेट्री क्या होता है, व्हाट इज द ज्योमेट्री, बेसिक चीज है, व्हाट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री हमें मैथमेटिकल वो टूल्स प्रोवाइड करता है, जो जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। बाय यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री we can measure the dimensions of any object। हमें अगर किसी भी object का dimension measure करना है, हम geometry use करेंगे। Like suppose एक example की बात करता हूँ मैं, मेरे पास ये object है जिसका मैंने यहाँ पे नाम दे दिया a b c d। इसकी length है suppose l है, इसकी breadth suppose b है। अगर मुझे इसकी length find करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, geometry use करूँगा। By using scale मैं यहाँ पे रख के और यहाँ पे मेजर करूंगा कि मुझे length suppose ये 12 सेंटीमीटर है and breadth let us suppose ये 5 सेंटीमीटर and so on। ऐसा कोई भी distance आपको मेजर करना होगा तो हम geometry यूज करते हैं। geometry में जो हम study करेंगे, there object में हमारे पास क्या है, geometry में कौन कौन से shape defined है, हमारे पास ढेर सारे sections हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले geometry, तो एक हमारे पास है triangle, then next हमारे पास रेक्टेंगल। इन शॉर्ट हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलने के बजाय हम रादर प्रिफर करेंगे बोलना क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये जनरल टॉपिक, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। क्वाड्रिलेटरल तो ये ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और आगे हम इसमें से कई टॉपिक्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का ज्योमेट्री, जो हमारे पास है वो ट्राइंगल, व्हाट इज द ट्राइंगल। दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिस को देखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ट्राइंगल्स जो हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ शेप है, पहला वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ट्राइंगल। दोस्तों व्हाट इज द ट्राइंगल, कोई ऐसा पूछे ज्योमेट्री में ट्राइंगल क्या होता है, आप बोलते हैं ट्राइंगल इज दैट पॉलीगन, ये पॉलीगन का पहला पॉलीगन फैमिली का एक मेंबर है। तो ट्राइंगल इज दैट पॉलीगन, ट्राइंगल इज दैट पॉलीगन इन विच देयर आर थ्री साइड्स, there are three sides। दोस्तों जब हम पॉलीगन बोलते हैं, इसका मतलब ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ये हमें लिखना नहीं होता है कि क्लोज्ड ज्योमेट्री, बिकॉज अगर हम पॉलीगन नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब जो भी ज्योमेट्री हो कैसी होगी, क्लोज होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोई भी ऐसी ज्योमेट्री या कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें थ्री साइड्स हो, वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, देयर आर थ्री साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल। कौन कौन से होंगे, ए बी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी सी एंड सी ए, और थ्री एंगल्स होते हैं इसमें। कौन कौन से एंगल होते हैं देखिए यहाँ पे, अगर एंगल्स की बात करता हूँ, एंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हम ट्राइंगल को टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। जब साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे तो थ्री टाइप्स होंगे, एंड जब इसके एंगल के बेसिस से डिवाइड करेंगे क्लासिफाई, तो वो भी थ्री टाइप्स होंगे। पहला जो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर मैं साइड्स के बेसिस से इसे क्लासिफाई करूं, ट्राइंगल आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड है मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड थर्ड है मेरे पास स्केलन ट्राइंगल। दोस्तों मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, मींस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। एनी ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस एनी वन ऑफ देम, कोई भी दो साइड इक्वल हो, आइदर ए बी ऑब्लिक बी सी इक्वल हो,
it may be BC oblique CA, it may be CA oblique AB, but any two side but not three side, only two, only any two sides, any two side, कोई भी दो साइड अगर इसके इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो आइसोसेलेस कहलाता है. एंड स्केलर में क्या होता है, जब ट्रायंगल की कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल ना हो वो स्केलर कहलाता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिंग. आई होप यू आर गेटिंग. एंड नेक्स्ट भी आप जो हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वी आल्सो क्लासिफाइड ट्रायंगल इन थ्री टाइप्स. सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम क्या क्लासिफाई करते हैं. पहला हमारे पास जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सेकंड हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. एंड थर्ड हमारे पास है ऑब्ट्यूज राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. देखिए दोस्तों एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में कोई भी एटलीस्ट वन एंगल शुड बी लेस देन 90 होना चाहिए. एटलीस्ट एक वर्ड है मैंने लिखा, एटलीस्ट वन एंगल इज लेस देन 90. कम से कम एक एंगल 90 से कम हो तो एक्यूट होता है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए. राइट एंगल में जब एक सिर्फ ओनली वन, यहां हम लिखते हैं कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, ओनली वन एंगल इज 90 कॉल्ड राइट एंगल. एंड ऑब्ट्यूज में जब एक एंगल, ओनली वन, कोई भी एक हो सकता है, ओनली वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज. कोई एक ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, जो 90 से बड़ा और लेस देन 180 और 180 से छोटा हो. तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी आल्सो क्लासिफाई ट्रायंगल इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड राइट एंगल, एंड थर्ड ऑब्ट्यूज राइट एंगल. अब ये दो बेसिक्स हमने कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं. प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देन हम ट्रायंगल ज्योमेट्री के ऊपर हम जाएंगे. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, हमारे पास दो प्रॉपर्टी. पहला, किसी भी ट्रायंगल के जो सम ऑफ द एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, इट मस्ट बी 180. पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. इसी को हम एक और टेक्निकली एक लैंग्वेज में जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल के, हमें पता है कि ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसको ही हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. ये पहली प्रॉपर्टी होती है. सेकेंड ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, इफ एनी टू साइड का सम, इफ सम ऑफ, ऐसा लिखें, इफ sum of any two side, any two sides is greater than third side, greater than third side, then triangle, then construction of triangle possible, construction of triangle possible. अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी है तभी आप बोल सकते हैं ट्राइंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा. दोस्तों ये प्रॉपर्टीज आप ट्राइंगल में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. अभी बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम आगे बढ़ेंगे. एक प्रॉपर्टी और बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स in any triangle are also equal, in any triangle is also equal. दोस्तों ये बेसिक फंडामेंटल हो गए ट्राइंगल में. दोस्तों अब हम इस नेक्स्ट ज्योमेट्री पे जाएंगे. दूसरा ज्योमेट्री हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल. जो हमारे पास नेक्स्ट ज्योमेट्री है वो है क्वाड्रिलेटरल. एक एक करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको चेक इट आउट करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है.